नमस्कार दोस्तों, 20 जुलाई 1969 अपोलो 11 मिशन का लूनार मॉडल चांद पे लैंड करता है। इसमें बैठे हैं एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन। लैंडिंग के बाद नील आर्मस्ट्रांग दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं चांद पे उतरने के लिए, लेकिन ये दरवाज़ा खोलना इतना भी आसान नहीं था क्योंकि वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा था। लेकिन थोड़ी स्ट्रगल करने के बाद से वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। फिर अपने भारी से स्पेस सूट में चांद पे उतरने की कोशिश करते हैं। निकलने की जगह ज़्यादा नहीं थी इसलिए वो अचानक से ऊपर से टकरा कर एक लूनार मॉडल का टुकड़ा टूट जाता है। इन दोनों को पता नहीं चलता इसके बारे में क्योंकि वहाँ पे कोई आवाज़ ट्रेवल नहीं करती, क्योंकि वहाँ पे हवा ही नहीं है इसलिए वहाँ पे कोई भी आवाज़ ट्रेवल नहीं कर सकती, जिसकी वजह से इन दोनों को कुछ भी सुनाई नहीं देता। लेकिन ये जो टुकड़ा टूटा था एक बहुत ही ज़रूरी पीस था, ये एक स्विच था। इस स्विच के बिना इनका लूनार मॉडल वापस से टेक ऑफ नहीं कर सकता था और ये धरती पे वापस नहीं जा सकते थे। लेकिन इस बात से बेखबर आर्मस्ट्रांग दरवाज़ा खोल के बाहर निकलते हैं और चांद पे अपना पहला कदम रखते हैं। दुनिया के पहले इंसान बन जाते हैं चांद पे कदम रखने वाले। लेकिन क्या ऐसा सच में हुआ था? आज 50 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, बहुत सारे लोग ये मानने से ही इनकार कर देते हैं जैसे ऐसा हुआ था। ऐसा थ्योरी में बताते हैं जो सारा फिल्म नाटक है धरती पे ही किया गया था दिखावा के लिए, लेकिन ऐसा सच में हुआ था कि दिखावा था या फिर रियल था? आइए जानने की कोशिश करते हैं इस पूरी कहानी को आज के इस वीडियोज़ में। अपोलो 11 मिशन का प्लान के पीछे बहुत ही बड़ी वजह थी गोल्ड वॉर, जो कि अमेरिका और सोवियत के बीच में चलने लग रही थी। दोनों देश के बीच स्पेस में जाने के लिए बहुत तेजी से चल रही थी। साल 1957 में सोवियत पहला देश बन जाता है पहली आर्टिफिशियल सेटेलाइट लॉन्च करने वाला, जिसका नाम था स्पुटनिक। ये पहला मैग्नेट ऑब्जेक्ट था जो धरती के ऑर्बिट में प्लेस किया गया। अमेरिकन सरकार ये शौक हो जाती है देखकर कि सोवियत यूनियन उनसे आगे कैसे निकल गया। कुछ महीने बाद 1958 में अमेरिका भी अपने फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च करता है, लेकिन 3 साल बाद 1961 में अमेरिका को एक और झटका लगता है सोवियत यूनियन के तरफ से। इसके सिर्फ एक हफ्ते बाद उस वक्त प्रेसिडेंट थे अमेरिका के जेन ऑफ कैंडी, वो अपने वाइस प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखते हैं 20 अप्रैल 1961 को और पूछते हैं आखिर हम सोवियत यूनियन को कैसे हरा सकते हैं, क्या कोई ऐसा और स्पेस प्रोग्राम है ताकि हम इस रेस में आगे निकल जाए और जीत जाए। इसका जवाब उन्हें कुछ ही दिन बाद मिल जाता है। जल्द ही वो रियलाइज़ कर लेते हैं हमारा अगला कदम होगा चांद पे भेजना। उस टाइम पे कोई इंटरनेट कोई स्मार्टफोन नहीं हुआ करती थी, कोई GPS की टेक्नोलॉजी नहीं थी। उस ज़माने में वे चांद पे भेजने की बात कर रहे थे। कहते हैं कि हम इंसानों को चांद पे भेजेंगे और इसके लिए वो एडिशनल फंडिंग 7 से 9 बिलियन डॉलर फंडिंग देते हैं। टेस्टिंग शुरू हो जाती है। सबसे पहले टेस्ट करते हैं रॉकेट को, जिसका इस्तेमाल करके वो धरती से बाहर निकलेंगे और उसकी टेस्टिंग करी जाती है। कमांड मिसाइल को भी टेस्ट किया जाता है कि इतनी गर्मी वो मैनेज कर सकता है। 1963 से लेकर 1967 तक ऐसे बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं जो कि अनमेड होते हैं, यानी कि इंसान उसमें नहीं होते हैं, केवल रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है उस टेस्टिंग के लिए। और फरवरी 96 में अपोलो 1 के टेस्टिंग के दौरान 27 जनवरी 1961 को केबिन में आग लगने के दौरान से 3 एस्ट्रोनॉट मारे जाते हैं। इस दर्दनाक हादसे के बाद नासा हार नहीं मानता, अपने टेस्टिंग को जारी रखता है। फिर से टेस्टिंग शुरू हो जाती है और कुछ टेस्टिंग करने के बाद से अपोलो 7 अक्टूबर 1968 में लॉन्च किया जाता है और एक बार फिर से अटेम्प्ट किया जाता है, जिसमें इंसानों को बैठाकर स्पेस में भेजा जाता है टेस्टिंग करने के लिए और ये मिशन सक्सेसफुल होता है। सिर्फ 2 ही महीने बाद अपोलो 8 मिशन लॉन्च किया जाता है और ये भी सक्सेसफुल हो जाता है। 3 महीने बाद फिर से अपोलो 9 लॉन्च किया जाता है, उसके बाद से फिर से 10 किया जाता है। ये सारे जो मिशंस होते हैं सक्सेसफुल होते जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो नासा ने कितनी तेज़ी से एक प्लान लॉन्च किए जा रहा था अपने फील्ड में आगे निकलने के लिए। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको वहाँ पे आवाज़ ट्रेवल नहीं कर सकती, जिसकी वजह से उनका स्विच टूट गया था और स्विच टूटने की वजह से वो ध्यान नहीं दे पाए और उस स्विच के बिना वो टेक ऑफ नहीं कर सकता था अपोलो 11 मिशन, और टेक ऑफ नहीं करता तो धरती पे आने का कोई चांस ही नहीं था। तो किस तरह से फिर वहाँ से उन्होंने दिमाग लगाया
और किस तरह से वहाँ से निकले। सबसे पहले तो उन्होंने देखा टेक ऑफ के लिए जो स्विच है स्विच नहीं मिला, उसके बाद से उन्होंने दिमाग लगाया, उसके बाद से उन्होंने एक पेन का इस्तेमाल किया, पेन से कनेक्ट करके स्विच को, और उसके बाद से टेक ऑफ किया। टेक ऑफ करने के बाद से ये मिशन सक्सेसफुल हो गया और फाइनली इंजन स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से वापस धरती पे आ पाए। तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, और वीडियो ऐसी और भी चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उसका सोल्यूशन हमारी टीम की तरफ से जल्द ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर फॉलो नहीं कर रखा है तुरंत फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पे भी ऐसी वीडियोज़ आपको नॉलेज वाली मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो करते हैं इंडिया यहीं पर, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ।